राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला क्या है हमारे चारों ओर। क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर। भूगोल शिक्षण के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत अब प्रस्तुत है उच्चतर माध्यमिक कक्षा के छात्रों हेतु एक वार्ता। वार्ता का यह कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित भूगोल की पाठ्यपुस्तक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था में संकलित पाठ पर आधारित है। वार्ता का शीर्षक है धार्मिक संगठन। लोगों के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में धर्म का बहुत बड़ा महत्व होता है। धार्मिक दर्शन मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करता है। भारत चार प्रमुख धर्मों का जन्मस्थान है। ये धर्म है हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख। हिंदू धर्म संसार का प्राचीनतम धर्म है। इसका विकास मनुष्य की प्रकृति के साथ निरंतर अंतर्क्रिया और उसकी जीवन के अर्थ की व्यक्तिगत खोज का परिणाम है। हिंदुओं की भूमि हिंदुस्तान भारत का एक नाम है जिसके द्वारा ये देश मध्यकाल में जाना जाता था। भारत में जन्मे अन्य धर्म दर्शन और जीवन के प्रति दृष्टिकोण के कारण हिंदू धर्म के बहुत निकट है। अन्य धार्मिक विश्वासों वाले लोग भारत में निरंतर आते रहे हैं। उनमें से अनेक ने अपनी पहचान खो दी है, लेकिन उन्होंने अपने मूल आधार को अक्षुण्ण रखा है। सीरियाई ईसाई प्रथम शताब्दी में भारत के पश्चिमी तट पर आए थे। उनके वंशज आज भी केरल में रह रहे हैं। मध्यकाल में भारत के पश्चिमी तट पर अरब व्यापारी इस्लाम धर्म को लेकर आए। इस्लाम के बड़े पैमाने पर प्रसार में मुस्लिम आक्रमणकारियों का भारी योगदान है। अनुयायियों की संख्या की दृष्टि से भारत के चार प्रमुख धर्म हैं हिंदू, इस्लाम, ईसाई और बौद्ध धर्म। संख्या की दृष्टि से जैन, सिख और पारसी धर्मावलंबी कम हैं, लेकिन ये सभी महान धर्म हैं। इनके विषय में हमें यथासंभव अधिक से अधिक जानना चाहिए। धार्मिक समूहों का वितरण। भारत में 82% से भी अधिक जनसंख्या हिंदू धर्म की अनुयायी है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अन्य मतावलंबियों की संख्या इससे अधिक है और वहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं। संख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान मुसलमानों का है। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर कुल जनसंख्या में ये 12.12% है। कुल जनसंख्या में ईसाई 2.34% और सिख 1.94% है। कुल जनसंख्या में बौद्ध 0.76% और जैन 0.4% हैं। हिंदू और मुसलमान संपूर्ण भारत में फैले हैं, लेकिन अन्य धार्मिक समूह कुछ ही क्षेत्रों में संकेंद्रित हैं। हिंदू देश के राज्यों में हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या में हिंदुओं का अनुपात सर्वाधिक अर्थात 95.9% और मिजोरम में न्यूनतम 5% है। हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, कर्नाटक तथा बिहार में हिंदुओं का अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है,
जबकि उत्तर पूर्वी राज्यों जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब में ये राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। मुस्लिम सबसे अधिक मुसलमान उत्तर प्रदेश में रहते हैं, दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल और तीसरा बिहार का है। देश की कुल जनसंख्या में मुसलमानों की जनसंख्या का सबसे कम अनुपात 0.6% मिजोरम में तथा सबसे अधिक 68.3% जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप में मुसलमानों का अनुपात सर्वाधिक 94.3% है। झारखंड सहित बिहार, असम, जम्मू और कश्मीर, केरल, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल सहित और पश्चिम बंगाल में मुसलमानों का अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ये राज्य उत्तरी विशाल मैदानों में विस्तृत हैं। जम्मू और कश्मीर तथा केरल इस पट्टी के बाहर हैं। ईसाई केरल में ईसाइयों का सबसे अधिक संकेंद्रण है। यहाँ इनकी कुल जनसंख्या 56 लाख है, जो राज्य की जनसंख्या में 28.6% है। 10 लाख से अधिक ईसाई जनसंख्या वाले राज्य केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मेघालय और नागालैंड हैं। सिख देश में सिखों की कुल जनसंख्या 1,63,00,000 है। इनमें से 1 करोड़ यानी 78.5% अकेले पंजाब में रहते हैं। पंजाब के अलावा हरियाणा और राजस्थान के निकटवर्ती जिलों में सिखों की जनसंख्या संकेंद्रित है। उत्तरांचल के तराई प्रदेश और दिल्ली में भी ये अधिक संख्या में रहते हैं। बौद्ध तथा जैन देश की कुल बौद्ध जनसंख्या का 79% भाग अकेले महाराष्ट्र में है। बौद्धों के पारंपरिक क्षेत्र जम्मू और कश्मीर का लद्दाख क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा है। महाराष्ट्र में जैनियों का सबसे अधिक संकेंद्रण है। यहाँ इनकी संख्या 9.7 लाख है, जो इनकी कुल जनसंख्या का 28.8% है। जैनियों की 75% जनसंख्या महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में रहती है। विषय संयोजक प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय संपादन आरपी मिश्र, आलेख एसके शर्मा, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।